नसीम भाई, उत्तर भारत में जो कांग्रेस की स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो बीजेपी से मुकाबला कर सके। आप बिहार में आरजेडी के साथ लड़े, बंगाल में ममता जी के साथ लड़े, और भी कई जगह आप कोलेशन में गए, लेकिन यूपी में आप कोलेशन में क्यों नहीं जा रहे, जबकि यहाँ भी ये हालत उन राज्यों से कहीं ना कहीं आपकी बदतर हालत है। यहाँ कौन सा पैमाना आपके पास नापने का है जो बदतर बता रहे हैं आप? कहाँ कोई आप मेरी बात सुन लें, पूरी सवाल अगर कर रह गया तो कर लीजिए, फिर मैं चुप हूँ। सवाल पूरा हो गया तो जब तक मेरा जवाब पूरा ना हो, प्लीज काइंडली लिसन मी। कहाँ कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि कांग्रेस मजबूत है कमज़ोर है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज 16-17 प्रदेशों में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 300 से ज़्यादा इनकी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ये कौन भारतीय जनता पार्टी है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के 1984 से, मेरे कहने पे नहीं, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है कि 1984 में दो एमपी 1984 से 89 तक थे, सिर्फ दो एमपी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी। जब वो दो से बढ़ करके 17 प्रदेशों में सरकार बनाने तक पहुँच सकते हैं, केंद्र में 300 से ज़्यादा सीटें ला सकते हैं, तो भाई हमारी दो नहीं हैं, हमारी 60 सीटें हैं। हमारी यूपी में दो सीटें नहीं हैं, हमारी केंद्र में एमपी की दो सीटें नहीं हैं। हम अगले चुनाव में 2022 के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और आपको भी लग रहा है, प्रतिज्ञा यात्रा आपके यहाँ से भी शुरू हुई है यहाँ रख से, आपको भी लग रहा है हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, और 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ करके कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। गठबंधन होने के कोई उम्मीद नहीं है, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन होगा।